हेलो व्यूअर्स, सीरीज खत्म हो गई श्रीलंका के साथ वनडे मैचेस की। और क्या हाल है आप लोगों के? आप लोगों से मेरा मतलब है कि बहुत सारे लोग हमारे चैनल पे नए भी आ जाते हैं ना, पुराने व्यूअर्स हैं तो उनको तो पता ही होगा। और दूसरी बात, आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं बहुत खुश नजर आ रहा हूं। खुश वुश का सवाल नहीं है, लेकिन ये है कि मैंने दुखी होना बंद कर दिया है। क्योंकि देखिए, जो भी हमारे पुराने व्यूअर्स हैं ना, ओल्ड व्यूअर्स हैं, उनको तो बहुत अच्छी तरह से पता है कि हम तो कब से ये कह रहे थे कि ये इनका होने वाला है। और जिन बेवकूफ लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही थी, तो वो आज सर धुन रहे हैं और पता नहीं क्या क्या दुहाई दे रहे हैं और भगवान से पता नहीं प्रार्थना कर रहे हैं और क्या क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये तो हमने कब से कहा था कि ये तो हमको मालूम था कि ये होने वाला है। इनकी सच्चाई किसी और को पता हो या नहीं हो, हमको तो बहुत पहले से पता थी ना। हम तो कितनी बार हमारे पुराने सारे वीडियोस उठा के अगर देखें, जो नए लोग हैं खासतौर पे, उनको तो बहुत अच्छी तरह से पता होगा कि इसीलिए तो भाई हमने अपने चैनल का नाम ही बायस्ड एनालिस्ट इसीलिए रखा है। लेकिन अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अपने चैनल का नाम बदल के पोल खोल चैनल कर देना चाहिए, तब शायद लोगों को समझ में आएगा। लोग क्या है, लोगों की भी गलती नहीं है। लोग मुझे भी नॉर्मल यूट्यूबर्स की तरह समझ लेते हैं कि मैंने एक यूट्यूब चैनल खोला है तो मुझे लोगों के व्यूज की चिंता है, या लोग मेरे बारे में अच्छी अच्छी बातें कहें इसकी मुझे चिंता है। क्योंकि लोग तो यही सोचते हैं कि यहां मतलब जितने भी यूट्यूबर्स हैं, वो मतलब ट्रेडिशनल यूट्यूबर्स, वो तो बस इंडिया की उनको तारीफ करनी है और बस किसी तरह से किसी भी फट्टे विकेट पे खेल खाल के और इंडिया जीत जाए, या फ्लैट विकेट पे खेल के ये लोग जीत जाए, उसके बाद आके तारीफें करनी है और किंग कोहली और ये फलाना और प्रिंस गेल और दुनिया भर की बातें। हम तो हमेशा से इनकी पोल खोलते आए हैं कि ये लोग फ्लैट पिच पे खेलने के आदी हैं। जहां स्पिन विकेट मिला, इनकी पोल कैसे खुली है, कपड़े कैसे फटे हैं, आप लोगों ने देखा ना। और व्यूअर्स जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं ना, मैं उनको बताना चाहता हूं कि पिछले कुछ एक दो वीडियो, तीन चार वीडियोस में, जब से ये गिल ने बदतमीजी शुरू की है ना जिम्बाब्वे में, मैंने एक थंबनेल पे लिखा था कि ये चंगुलाल की हरकतें ठीक नहीं है। ठीक है, तो एक तो मेहता जी आए थे, जो जिनके बारे में मैंने पहले भी बोला था। एक तो मेहता जी आए, उन्होंने कहा कि व्यूज लेने के लिए ये बड़ा डिसगस्टिंग टाइटल लगाया है। ठीक है, मैंने मान लिया। उसके बाद अभी एक दो वीडियो पहले, जब मैंने ये चंगू मंगू दोनों की पोल खोली थी, ये चंगूलाल गेल और मंगूलाल अय्यर की, तब देखिए मुझे तो ताज्जुब है कि मुझे तो ये लग रहा है कि कोई भी इंडियन इस बात को एक्सेप्ट करने से मना कैसे कर सकता है कि ये दोनों चंगू मंगू है। लेकिन उसके बावजूद इनकी पीआर मशीनरी देखिए, या तो मुझे लगता है कि वो दोनों पाकिस्तानी थे, एक उसमें से कहता है, एक अपना नाम लेके आया जूलियस, और वो कहता है कि व्यूज पाने का बहुत अच्छा आइडिया है ये कि आप मतलब सूरज को आप क्रिटिसाइज कर रहे हो। मतलब सूरज किसको कह रहा था, वो इस इंडियन टीम को, इस इंडियन टीम को क्रिटिसाइज करना मतलब सूरज को क्रिटिसाइज करने वाली बात है। और एक एक महिला व्यूअर ने कमेंट लिखा, अरे बड़ा डिसगस्टिंग थंबनेल लगाया है ये, जिसमें मैंने कहा चंगू मंगू दोनों फेल हो गए। अब आज बताइए, मैंने उस वीडियो में भी यही कहा था कि चंगू मंगू देख कौन रहा है आज, आप बताइए। अब इन लोगों को, मुझे तो पूरा पूरा शक है कि ये पाकिस्तानी ये व्यूअर्स हैं जो अपना नाम बदल के आए। वो एक लेडी अपना नाम लता कुमारी रख के आई, और एक ये जूलियस गुजराती, ये दोनों मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो आज चंगू मंगू कौन नजर आ रहे हैं, चंगूलाल ये लता कुमारी और मंगूलाल वो जूलियस नजर आ रहे हैं कि नहीं? अब इस सीरीज के बाद अब बताइए हालत किसकी। इसीलिए मैंने थंबनेल पे लिखा है, चंगू मंगू ही नहीं, लल्लू पंजू भी है इस टीम में। एक वो लल्लू लाल पंत और दूसरा वो पंजू कुमार, वो तुम्हारा कोहली को भी कह सकते हो आप। मैंने वैसे दुबे को लिखा है, लेकिन कोहली को भी कह सकते। कोहली ने कौन से रन बना दिए यार, हमेशा मैं कह के परेशान हो गया हूं कि भैया ये तुम घटिया विकेट्स पे, फ्लैट विकेट्स पे रन बना बना के। आज देखिए, आप लोगों ने मैच के बाद अगर महेश तीक्ष्णा का इंटरव्यू देखा हो, महेश तीक्ष्णा ने पोल खोल के रख दी है पूरी इंडियन क्रिकेट की। किसी अगर आदमी को समझ में आ रहा हो, दो पैसे की अगर अकल हो, तो उसको शर्म से डूब मरना चाहिए। महेश तीक्ष्णा ने क्या कहा,
हमको बहुत अच्छी तरह पता था कि ये इंडियंस आईपीएल में खेलते हैं, छोटे छोटे ग्राउंड्स हैं, वहां बाउंड्रीज छोटी हैं और वहां फ्लैट विकेट्स होते हैं, इसलिए हमने प्रेमदासा में बाउंड्रीज बड़ी कर दी और जरा सा स्पिनिंग ट्रैक दे दिया, इनकी सबकी पोल खुल गई, कपड़े फट के जमीन पे लेट गए ये सारे के सारे। और देखिए ये 12 जोकर्स नहीं लेटे वहां, हमारा देश लेट गया है। इसके बाद लता कुमारी और वो जूलियस, अब बोलो चंगू मंगू कौन नजर आ रहा है तुमको, और अभी भी तुमको डिस्गस्टिंग थंबनेल नजर आता है, डिस्गस्टिंग तुम जैसे व्यूअर्स हैं, तुम जैसे फैंस हैं फालतू के, और ये टीम घटिया डिस्गस्टिंग है ये, इंक्लूडिंग एवरीबडी। मैंने तो पहले पिछले मैच में भी कहा था आप लोग रोहित शर्मा से ज्यादा इंप्रेस मत हो जाओ, रोहित शर्मा ने रन सिर्फ इसलिए बनाए हैं क्योंकि वो रन तभी बना पाता है जब बॉल स्पिन नहीं हो रही है, और बॉल स्पिन होती है जब बॉल नहीं होती है, जब बॉल के ऊपर लेकर रहता है वो बॉल स्पिन नहीं होती है। जैसे ही 10-15-12 ओवर होते हैं उसके बाद थोड़ा सा सीम उभरना शुरू होती है, उसके बाद बॉलर्स को ग्रिप मिलना शुरू होती है, रोहित शर्मा की पोल खुल जाती है। आज तो रोहित शर्मा की 35 रन पे ही पोल खुल गई क्योंकि बॉल स्पिन हो गई थी, लिया ना वो उसने कर दिया ना वेला लागे ने आउट। पिछले दोनों मैचेस में रोहित शर्मा ने रन इसलिए बनाए क्योंकि बॉल 10-12 ओवर तक स्पिन नहीं हो रही थी, इसलिए वो खेल लिया, और जहां स्पिन होनी शुरू हुई इसने रिवर्स स्वीप मारा रोहित शर्मा ने। यार आप लोग अगर ये देख के भी आंखों देखी मक्खी अगर निगलोगे तो आपकी ऐसे ही बेइज्जती होगी। 27 साल बाद ये बच्चों की श्रीलंका की टीम ने हरा के भेजा है तुम्हारी टीम को, यार तुमको शर्म आनी चाहिए, लेकिन नहीं, तुमको थंबनेल डिस्गस्टिंग नजर आता है, ये टीम डिस्गस्टिंग नजर नहीं आती है यार, ये विराट कोहली डिस्गस्टिंग नजर नहीं आता है, किस तरह से आउट हुआ है इसको बॉल दोनों मैचेस में समझ में नहीं आई है, दोनों मैचेस में इसको समझ में नहीं आई। चंगूलाल गिल और मंगू अय्यर की तो क्या बात करूं मैं, अभी तो उनके पीआर मशीनरी अभी भी लगी होगी, ट्विटर पे जाके देखो आप श्रेयस अय्यर के चमचे क्या क्या नहीं लिख रहे होंगे उसके ऊपर, किस मुंह से झूठ बोलते हैं ये लोग यार, मुझे समझ में नहीं आता। और यहां पे व्यूअर्स आके बोलते हैं हमको, जब हम सच्चाई बोल रहे हैं तो हमको बोलते हैं कि हम डिस्गस्टिंग थंबनेल लगा रहे हैं, डिस्गस्टिंग नहीं है सच्चाई है, और अभी भी तुमको समझ में नहीं आ रहा है तो डिस्गस्टिंग तो ये इंडियन टीम है, तो कितनी बेइज्जती करवाएगी यार ये टीम, पोल खोल के रख दी है श्रीलंका ने। ये T20 सीरीज जिस तरह से ये लोग जीते, आखिरी मैच जो ये टाई करके सुपर ओवर में जीते थे उसके बाद से ही मुझे समझ में आ रहा था कि इनका क्या हाल होने वाला है, फिर भी मुझे एक 1% ये डाउट था कि चलो 50 ओवर में ये थोड़ा बहुत कुछ कर लेंगे क्योंकि मैच बड़ा होता है। अक्सर ये कहा जाता है कि जो कमजोर टीम होती है वो छोटे मैच में बड़ी टीम के पास आ जाती है, यहां तो तीनों वनडे मैचेस में उन्होंने दिखा दिया कि छोटी टीम थी कौन। इसके बाद अगर कोई नहीं माने तो मैं तो उसकी अकल पे तरस खाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता हूं। विराट कोहली के प्रेम में कोई इतना पागल हो सकता है कि उसे देश की चिंता नहीं है? ये तो वही बांग्लादेशियों की जैसी हरकत है, जो कि जहां पे जो कि वो बेचारी शेख हसीना को मारने के लिए उसके घर में घुस गए और वहां जाके उसके अंडरगारमेंट्स का वो प्रदर्शनी लगा रहे हैं, उनको शर्म नहीं आ रही है? यही हरकतें हमारे देश के व्यूअर्स करते हैं, इंडियन टीम के फैंस। यार आंख के अंधे हो तुम साले, 10वीं फेल लोग, तुम लोग क्रिकेट खेलने देखने जाते हो और उसके बाद ऐसी घटिया परफॉर्मेंस के ऊपर तुम प्लेयर्स की तारीफ करते हो? विराट कोहली के 15,000 रन को चाटना है हमको? 27 साल बाद नाक कटवा के आया ये वहां पे, इसको दोनों मैचेस में बॉल समझ में नहीं आई, सीधी सीधी बॉल पैड में खा के आउट हुआ ये। और यही बात मैं हमेशा कहता हूं कि ये फ्लैट पिच पे विकेट पे रन बनाता है, सारे लोगों को बुरा लग जाता है, अरे विराट इज द किंग। और आज वही सारे यूट्यूबर्स, आप जाके देखो दूसरों के चैनल्स, आज सारे लोग गाली दे रहे होंगे। और जिस टाइम ये मैच जीतते हैं और जब ये गलतियां हम वो उसमें ऑब्जर्व करके बताते हैं, तब लोगों को समझ में नहीं आती ये बात। तो जब आप बात वही है, मैं 50 बार ये बात कह चुका हूं, जब मैच जीतने के बाद आप गलतियों को एनालाइज नहीं करोगे तो आपकी ऐसे ही बेइज्जती होगी। ये श्रीलंका की टीम जिसको T20 में इतनी बुरी तरह हराया, और आपने नहीं हराया बाय द वे, वो उन लोगों ने गलत बैटिंग की है। व्यूअर्स आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता है पहले 3 वनडे T20 जो हुए तीनों में श्रीलंका ने गलत बैटिंग की, जब इन लोगों ने 30 रन पे एक में 6 विकेट गिरा दिए, एक में 30 रन पे 9 विकेट गिरा दिए, उसकी वजह से वो लोग मैच हारे। उसमें अगर वो जरा सा ढंग से खेल लेते तो वो T20 सीरीज भी जीतते।
लेकिन वो बेचारों को उस टाइम समझ में नहीं आया, बाद में उनको समझ में आ गया। महेश तीक्ष्णा का तो आप इंटरव्यू सुन लो, क्या पोल खोल के रखी है उसने कि ये लोग आईपीएल के शेयर हैं, आईपीएल में छोटे छोटे ग्राउंड बनाते हैं और वहां पे फ्लैट विकेट्स होते हैं, इसलिए हमको पता था कि इनको कैसे पकड़ना है। और अभी तो व्यूअर्स आप देखो, इससे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। बाकी टीमें वर्ल्ड की नहीं देख रही हैं क्या कि इनकी वीकनेसेस क्या है? और ये वीकनेस तो हम कब से कहते चले आ रहे हैं, पिछली 2-3-4 टेस्ट सीरीज जो इंडिया में हुई है, हमने आपको कितनी बार कहा है, अगर वो टेस्ट सीरीज आपने हमारे साथ देखी हो, हमारी एनालिसिस उन टेस्ट सीरीज में देखी हो, तो आपको पता चलेगा मैं तो कब से कहता चला आ रहा हूं कि सेवाई अक्षर पटेल को किसी को खेलना नहीं आता है। और आज बदकिस्मती से वो भी आउट हो गया, तो अक्षर पटेल ने ठेका ले रखा है क्या? बॉलिंग भी वही करेगा, बैटिंग भी वही करेगा, सब कुछ वही करेगा। आज मैं रियान पराग को कोई क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, रियान पराग ने 3 विकेट लिए, वो मैं उसको ज्यादा क्रेडिट नहीं देता हूं, इसलिए क्योंकि रियान पराग इज नॉट अ बॉलर, वो ठीक है ऑलराउंडर है, लेकिन बैटिंग करना उसका काम है। फिर भी आज उसका पहला मैच था, मैं नहीं कहता, मुझे तो फिर भी ये लगता है कि सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंटली जितनी भी देर वो खेला, सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट वही दिख रहा था मुझे। उसको समझ में आ रहा था कि बॉल कौन सी आ रही है, लेग स्पिन आ रही है, ऑफ स्पिन आ रही है, क्या हो रही है, बस एक मिस जजमेंट हो गया, विकेट की बॉल छोड़ दी, बोल्ड हो गया। लेकिन बाकी आपके सूरमा जो 80-80 सेंचुरीज बना के, ये पंजूलाल कोहली ये घुमरा है और इसके फैंस आके बदतमीजी करते हैं यहां, कि मुझे एक बार तो ताज्जुब है, मुझे जब मैंने विराट कोहली को इसी तरह के गंदे शॉट पे क्रिटिसाइज किया तो एक नालायक कहता है तुम विराट कोहली से जलते हो। अरे यार, मेरी कोई बराबरी है विराट कोहली से? मेरी कोई बहस खोल के गया है वो? लेकिन चमचागिरी की कोई हद है यार। ये श्रेयस अय्यर जैसा दो कौड़ी का बैट्समैन यार, ये बेवकूफ शुभमन गिल, ये किस तरह से खेल के आउट होते हैं यार। शर्म नहीं आती इन लोगों को, शर्म बिल्कुल बेच के खा गए ये लोग, और इसके बावजूद भी इनके फैन क्लब बने हुए हैं, इनके फैन क्लब बने हुए हैं। व्यूअर्स आप सोचिए क्या तो हाल है, और उसके बाद लोग हमको इनको क्रिटिसाइज नहीं करने देते हैं। हम कहते हैं ये डिसगस्टिंग है, तो कहते हैं कि नहीं, आपका टाइटल डिसगस्टिंग है, आप हमको क्रिटिसाइज कर लो, बिल्कुल कर लो, लेकिन आज बेइज्जती किसकी हुई? देश की बेइज्जती हुई ना। हमारे जैसे जो सच बोलने वाले लोग हैं, ऐसे और भी बहुत सारे चैनल्स हैं जो हमारी तरह सच बोलते हैं, तो आप उनको क्रिटिसाइज कर लो, तो उससे अल्टीमेटली हुआ क्या? आपके हाथ क्या लगा? आपके हाथ ये बेइज्जती लगी ना। लेकिन मुझे तो कोई दुख नहीं है, मुझे कोई दुख, देखिए दुख तो हमेशा होता है हमारे देश की टीम हारी, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि हम तो बहुत पहले से ये बात कह रहे हैं कि ये आने वाला है, आई सॉ दिस कमिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, लेकिन इन लोगों को समझ में नहीं आया, ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। और अभी भी पोस्ट मैच इंटरव्यू में जब वो कमेंटेटर पूछ रहा है रोहित शर्मा से कि क्या कॉम्प्लेसेंट हो गए हैं लोग, तो कहता व्हाट अ जोक। अबे जोक नहीं, तुम जोकर हो रोहित शर्मा, तुम सारे के सारे जोकर, यू आर अ ब्लडी बंच ऑफ जोकर्स, और हम लोगों को और जोकर बना के रखा हुआ है। कॉम्प्लेसेंसी नहीं है तो क्या है? तुम लोग तो ये सोच रहे हो कि हम तो ये बेवकूफ कहीं के श्रेयस अय्यर के दम पे जीत जाएंगे, या शुभमन गिल हमारा प्रिंस है ये बना देगा रन, या विराट कोहली ने तो 18,000 रन बनाए हैं और 80 सेंचुरी बनाई है और 50 सेंचुरी बनाई है, मिट्टी का तेल छिड़क के आग लगा दी है इंडियन क्रिकेट में श्रीलंकन टीम ने आज। शर्म आती हो तो एक्सेप्ट कर लो, रोहित शर्मा भी और विराट कोहली भी। गौतम गंभीर को मैं दोष नहीं दे सकता, गौतम गंभीर की तो पहली सीरीज है यार, गौतम गंभीर ने थोड़ी इनको बनाया है, ये तो बिगड़े हुए बहुत पुराने बिगड़े हुए हैं ये लोग। गौतम गंभीर को मैं दोष दूंगा जब 3 सीरीज के बाद भी यही हाल होगा। अभी गौतम गंभीर की पहली सीरीज है, उसको क्या, उसने तो विराट कोहली और रोहित शर्मा के को पहली बार खिलाया है अपनी टीम में। बहुत सारे लोग अब अपना गुस्सा, अल्टीमेटली क्या है, चमचागिरी का लेवल ये है इस देश में कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को तो कोई क्रिटिसाइज करेगा नहीं, श्रेयस अय्यर की तो पीआर मशीनरी लगी हुई है, तो क्रिटिसाइज किसको करेंगे? एक सॉफ्ट टारगेट मिलता है गौतम गंभीर की, गौतम गंभीर आया तो ये हाल हो गया।
अरे गौतम गंभीर क्या करेगा यार, आई सॉ दिस कमिंग, आई टोल्ड यू आई सॉ दिस कमिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये तो इनकी देर सवेर पोल खोलनी थी, वो पोल श्रीलंका ने खोल दी इनकी। बाकी टीमें नहीं समझ पाई कि इन बेवकूफों के बस की ना तो स्पिन खेलना है ना स्विंग बॉलिंग खेलना है किसी यार। अरे यार विराट कोहली का आप नाम लेते हो, ये इसके बेवकूफ के चमचे इतने सारे बना के रखे हैं, 80, 100 मिलियन, 200 मिलियन, किसी को मालूम नहीं है कि ये फ्लैट विकेट पे ही रन बनाता है। अरे यार कब से देखते आ रहे हैं हम, 2014 से इंग्लैंड से देखते आ रहे हैं। 2014 में इसने 5 टेस्ट मैच में 110 रन बनाए थे, उसके बाद अगली सीरीज में गया तब जरूर इसने 600 रन बनाए, लेकिन इसमें इसके 6 कैच छूटे थे। आप लोग चाहो तो जाके देख लो उसका रिकॉर्ड, उसमें जेम्स एंडरसन की बॉल पे कम से कम 5 कैच छूटे हैं इसके। 100 सेंचुरीज माई फुट, क्या यार, बिल्कुल मूड खराब करके रख दिया इन लोगों ने। और उसके बाद लोग चले आएंगे कि अरे मैं जलता हूं इनसे, ये जलने के लायक है, ये थर्ड क्लास प्लेयर्स, थर्ड ग्रेड बैट्समैन है ये, सीधी बॉल आती है तो खेल लेते हैं, फ्लैट विकेट होता है तो खेल लेते हैं, जहां स्पिन हुई सीधी बॉल पैड पे खाते हैं, समझ में ही नहीं आता। श्रेयस अय्यर इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ द स्पिन बॉलिंग, इसके तो कान के नीचे 2 देने चाहिए और इसके फैंस के भी देने चाहिए डैश पे लात, ये लोग इसके लायक हैं, इनको डैश पे लात मार के भगाना चाहिए इन प्लेयर्स को कि जाओ सीधे जाके रणजी ट्रॉफी खेलो और वहां परफॉर्म करके आओ। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि गौतम गंभीर कैसे निपटेगा इस सिचुएशन से, इन उल्लू के पट्टों को खेलना नहीं आता है, ये बैटिंग नहीं कर सकते हैं ना तो स्विंगिंग कंडीशंस में ना स्पिनिंग कंडीशंस में। अरे यार आपने देखा यहां आके नेथन लायन 8-8 विकेट लेता है टेस्ट मैच में, 1-1 पारी में यार, वो टॉम हार्टले इनके ऊपर भारी पड़ गया था, उसकी तो लीच की तो बात ही छोड़ दो इंग्लैंड वाले बॉलर की, वो तो अनफिट हो गया था, कोई भी ढंग का बॉलर आएगा इनके पिछवाड़े में बॉल घुसेड़ देगा। ये औकात है हमारे इंडियन बैट्समैन की, इनको हम किंग और प्रिंस और पता नहीं क्या क्या बोल के बैठे हुए हैं सर पे चढ़ाए हुए। सच्चाई तो ये है कि इनको पढ़ने चाहिए जूते, बहुत ज्यादा सर पे चर्बी चढ़ी हुई है इन लोगों के, वो करना बहुत ज्यादा जरूरी है, सीधे भगाओ बाहर बेवकूफ कहीं के विराट कोहली, जा डोमेस्टिक में रणजी ट्रॉफी खेल के आ, स्पिन खेलना नहीं आता है तुझे, बेवकूफ कहीं के फालतू दिमाग खराब करने चले आते हैं, इन लोगों से कोई मतलब है मैच खेलवाने का, ये देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देश को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, देश का कबाड़ा कर रहे हैं ये लोग, मैच की क्या बात करें यार। ये श्रीलंका की उस टीम से हारे हैं जिसके 4-4, 5-5 तो मेन बॉलर्स नहीं थे, दुष्यंत चमीरा नहीं था, नोवान तुषारा नहीं था, दिलशान मधुशंका नहीं था, लाहिरु कुमारा नहीं था, हसरंगा नहीं था, 5-5 मेन बॉलर इनके अनफिट थे, उसके बाद ये लोग 110 रन से मैच आ रहे हैं। विराट कोहली 80 सेंचुरी लोडिंग, अरे डैश पे लात लोडिंग होना चाहिए इसका टाइटल यार, डैश पे लात लोडिंग टू ऑल दिस होल इंडियन टीम, लाते मार के इनको भगाया जाना चाहिए, जाके रणजी ट्रॉफी खेलो, यहां आके बकवास मत करो, हमारी फैमिलीज को भी ले जाने दो टूर पे, करेंगे क्या वहां टूर पे जाके शॉपिंग करके लौट के आएंगे, और उसके बाद जब साला खेलने का टाइम होगा डोमेस्टिक में तो यूरोप में छुट्टियां मनाने जाएंगे, तो फिर स्पिन खेलना आएगा कहां से यार, कहां से आएगा इनका। इसके बावजूद किसी को यह लगता है कि ये वीडियो डिस्गस्टिंग है तो तुम लोगों से ज्यादा डिस्गस्टिंग कोई व्यूअर नहीं है साला, तुम लोगों ने ही देश का बर्बादी करके रखी हुई है ये, इन लोगों को सर पे चढ़ा चढ़ा के बेवकूफ कहेंगे। मुझे तो फैंस से बहुत ज्यादा चिढ़ है, फालतू तो इन लोगों को स्यूडो हीरो बना के रखा हुआ है, और अभी इनको दे दो भारत रत्न, अभी तो भारत रत्न की भी डिमांड, मैंने तो सुना था कोई उल्लू का पट्टा कह रहा था रोहित शर्मा को भारत रत्न दे दो, विराट कोहली को भी दे दो, भारत रत्न तो यूं ही बट रहा है ना, खैर वो बटना तो शुरू हो ही गया है, सचिन तेंदुलकर से बटना शुरू हो गया है वो, तो किसी भी उल्लू के पट्टे को भारत रत्न दे दो, और ये जाके ऐसे मिट्टी पलीत करवाएंगे देश की, ऐसे अगर हमारे सेना के जवान हो गए ना बस, तो फिर तो भगवान ही मालिक है,
इनसे बातें करवाओ कि इनको फैसिलिटीज चाहिए 7 स्टार की, इन सब की सियाचिन में ड्यूटी लगानी चाहिए नालायकों की, जाके ड्यूटी करके आओ 2 महीने तब पता चलेगा देश के लिए मेहनत करना क्या होता है। बेवकूफ कहीं के क्या बात करेंगे यार, 248 श्रीलंका ने बनाए, बेवकूफ कहीं के 138 पे ऑल आउट हो गए। वो वेला लागे ने 5 विकेट ले लिए यार, ऊपर से विराट कोहली की बदतमीजी तो देखो आप, वो असिता वो कुमारा वो जो उनका फास्ट बॉलर है उससे मुंह चला रहा है, मुंह चला के क्या हुआ, बेइज्जती करवा के आ गए ना। अरे यार मुंह चलाओ तो कम से कम मैच ही जीताओ, नहीं तो मुंह चलाने की औकात नहीं है तो मुंह चलाते क्यों हो, मां बहन की गालियां दिलवा लो वहां, वो बच्चों ने हरा के भेज दिया, क्या औकात रह गई तुम्हारी किंग की। व्यूअर्स आप बताइए मैं कुछ गलत कह रहा हूं, विराट कोहली को लड़ना चाहिए वो बच्चों से, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि औकात यही है, औकात पे आके आदमी यही काम करता है। सच्ची औकात पता चलती है विराट कोहली की जब वो असित कुमारा से लड़ता है, वो बच्चा कल तक उसका किसी को नाम तक पता नहीं था, उससे लड़ाई कर रहा है, फिर आउट किस पे हुआ, वो एक बच्चे की सीधी बॉल पे आउट हुआ ना, फिर कहां गई गाली, फिर देता ना मां बहन की गाली जो बोलता रहता है हर टाइम, फिर क्यों नहीं दी। बात करेंगे किंग, किंग की 100 सेंचुरी होंगी, 7 जन्म में नहीं होंगी इसकी 100 सेंचुरी, 7 जन्म में नहीं होंगी, पूरी दुनिया को पता चल गया है कि इसे खेलते नहीं बनता, इसके सामने लगाओ स्पिनर ये होगा साला आउट, कभी भी आउट हो जाएगा, कोई ठिकाना नहीं है इसका। बेवकूफ कहीं के हर बार जाके मुंह चला, अबे साले मुंह से चलते बनते रन तो तुमने लाखों रन बना दिए होते, अभी मुंह चलाने से रन नहीं बनते हैं, बैट से बनते हैं, स्पिन खेलना ढंग से आना चाहिए उससे रन बनते हैं। ये बेवकूफों ने बहुत ज्यादा मूड खराब किया है व्यूअर्स, मतलब आप लोग बताइए क्या आप लोगों के मन में ये इच्छा नहीं हो रही है कि इन लोगों को बुला के भगा देना चाहिए यहां से, टीम से निकाल के इनकी जगह पूरी नए टीम ले आओ, क्या फायदा है, इन लोगों ने क्या हमारी बेइज्जती करवाई है ग्राउंड के ऊपर। 27 साल बाद वो बच्चों की टीम से हारे हैं मैच, उस टीम से हारे हैं जिसको 3-0 से T20 में हराया है, इसके बाद लड़ाई कर रहे हैं। वो सिराज को देख लो, 9 ओवर में 80 रन पिटवा के 1 विकेट लिया है और उसके बाद वहां गालियां दे रहा है बैट्समैन को। ये भी सब विराट कोहली के कीड़े हैं, ये विराट कोहली के कीड़े लगे हुए हैं सिराज को भी, उसने इसको बिगाड़ा है। अबे साले परफॉर्म करो, गाली देने से कुछ नहीं होता है, गाली दे भी दी तुमने वहां पे एग्रेशन दिखा दिया, 9 ओवर में 80 रन दे के आए हो। विराट कोहली से यही सीखा है, रन बने या नहीं बने, विकेट मिले या नहीं मिले, गाली गलौज करो। गाली गलौज करने से क्या हुआ, वो बच्चों ने भी पलटाज को भी दी, विराट जब आउट हुआ देखो क्या मजाक उड़ा रहे थे वो। मैं वही कहता हूं आप मेरे मुझे, मैं जब विराट कोहली को क्रिटिसाइज करता हूं इंडियन व्यूअर्स मुझे क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन वहां पे किसकी बेइज्जती हुई, जिस टाइम आ रहा था विराट कोहली आउट होके, वो देख लो सीन क्या हंस रहे थे, वो थू-थू करवा के आया है विराट कोहली, किस मुंह से लड़ाई कर रहा था वहां। अबे लड़ाई की थी तो रन बना के आता ना, चलो मैं कहता हूं मैच नहीं जिताता 70-80 रन तो बनाता, बेइज्जती करवा के आया, शर्म नहीं आई, अब किस मुंह से लड़ाई करेगा अगली बार। लेकिन ये इतना बेशरम है, ये अगली बार फिर लड़ाई करेगा, इससे रन बनते नहीं है, मुंह चलता है इसका, मुंह चलवा लो। अबे मुंह चलाने से रन बनते तो तेरी 150 सेंचुरी हो गई होती अभी तक। ये 2 कौड़ी के लोग हैं, इनके बस का कुछ भी नहीं है। व्यूअर्स मैं सही बता रहा हूं, आप लोगों में से बहुत सारे व्यूअर्स तो हमारे जो पुराने व्यूअर्स हैं बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, हम तो कब से कह रहे थे कि ये होने वाला है, इंडियन टीम के साथ यही होगा और हमारी ऐसी बेइज्जती होगी, हमारी ऐसी हंसी उड़ने वाली है। इंटरनेशनल क्रिकेट में आज क्या हाल होगा हमारा, पाकिस्तानी कमीने क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में, बाकी इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ये क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में यार, ये है वर्ल्ड चैंपियंस, धोखे धड़ाके से साले वर्ल्ड कप का फाइनल जीत गए, उसके बाद श्रीलंका ने दिखा दी ना औकात, इसी को कहते हैं वर्ल्ड चैंपियंस बैक टू औकात, ये औकात पे आए हैं अपनी, क्योंकि औकात इनकी यही है
वर्ल्ड कप कहां से जीतना था इनको यार। अभी भी मैं कहता हूं, अभी भी पिछले वीडियो तक मैं कह रहा था तो लोग कह रहे थे अरे तुम तो जलते हो, इंडिया वर्ल्ड कप चैंपियन बन गई तो देख लो तुम्हारे वर्ल्ड कप चैंपियंस की औकात ये है। यही होना चाहिए था इनके साथ वर्ल्ड कप में भी, धोखे धड़ाके में जीत गए, बस बड़े खुश हो गए। ये तो सोच ही लिया इन्होंने कि हम तो वाकई वर्ल्ड चैंपियन है, अभी तुम्हारी दो कौड़ी की औकात नहीं है। तो अभी तो देखते जाओ और आगे की सीरीज होने दो। अब देखना व्यूअर्स, आप लोग इनकी ऐसे ही पोल खोलेगी और जब इंडिया में आई अब ये बैक टू औकात आ जाएंगे, अब ये फ्लैट विकेट बनाने लगेंगे क्योंकि अब इनको डर लग जाएगा। डर तो इनको पिछली टेस्ट सीरीज से ही लग गया है। अभी देखना आप, मजा आएगा अगली टेस्ट सीरीज में क्या होने वाला है। चलिए व्यूअर्स, आप लोग बताइए, आप लोगों को मेरे एनालिसिस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। और आप लोग बताइए, मुझे शरीफ लोगों से कमेंट्स की उम्मीद है। आज आप लोग सच्चाई लिखिए कि आपको क्या लगता है, मैं कुछ गलत कह रहा हूं या ये सच्चाई है, हमारी बेइज्जती हुई या नहीं हुई। आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। दिस इज विकास सक्सेना, द बायस्ड एनालिस्ट। थैंक यू सो मच।